प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा विखे एम्स हस्पताल का नींह पत्थर रखने पहुंचे, जिथे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पंजाब नूं तरक्की दीआं राहां ते लिजाण लई पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार मोढे नाल मोढा जोड़ के काम कर रही है। उन्हें आख्या कि इस सरकार च एम्स हस्पताल का नींह पत्थर रखा गया अते ठीक 24 महीनों बाद इस सरकार च एम्स का उद्घाटन किया जाएगा। अपने भाषण दौरान प्रधानमंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान वल दोस्ती का हथ बधाते हुए पाकिस्तान के आवाम नाल गलबात करन दी इच्छा प्रगट की थी। ते क्या है कि पाकिस्तान के लोगों नू अपील भी की थी कि अपने हुक्मरानों नू सवाल करन के सानू भारत की थां भ्रिष्टाचार ते काले धन खिलाफ लड़ाई लड़न की जरूरत है। पंजाब च इस समय पानी उत्ते सियासत जारी है। प्रधानमंत्री मोदी वालों पाकिस्तान नू जाण वाले पानी नू रोक के पंजाब राजस्थान ते जम्मू कश्मीर के किसानों च वंडण का ऐलान एक बार फिर जनतक स्टेज तो किया गया। सवा 900 करोड़ रुपए से ज्यादा, करीब करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से एम्स का निर्माण होने जा रहा है। ये एम्स सिर्फ बीमारों की बीमारी दूर करेगा ऐसा नहीं, पैरामेडिकल की शिक्षा, नर्सिंग की शिक्षा, डॉक्टरी की शिक्षा, यहां के नौजवानों के जीवन में पूरा उनका भविष्य और एक पीढ़ी का नहीं आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बदलने की ताकत इस एम्स की योजना में बनी हुई है। सतलज, ब्यास, रवि, ये तीन नदियों का पानी उसमें तो हिंदुस्तान के हक का पानी है, ये मेरे किसान भाइयों के हक का पानी है। वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुन्द्र में बह जाता है। न पाकिस्तान उसका उपयोग करता है, न हिंदुस्तान के किसान के नसीब आता है। अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ग्लोबल सीपीएन ऐप दे नाल 3 एचडी पंजाबी टीवी चैनल्स दा सुमेल है यह ऐप। ग्लोबल पंजाब टीवी, आत्म रस टीवी अते चैनल पंजाबी बीट्स टीवी। हुण पंजाबी चैनल्स वेखण लई $25 जां $10 हर महीने दे भी नहीं देने पैणगे। ग्लोबल सीपीएन ऐप दे लई सिर्फ देने पैणगे $6.99 पर मंथ ओनली।